नमस्कार, आप देख रहे हैं मेडिकल माइक और मैं हूं आपके साथ सन्नी प्रियदर्शी। अभी हम लोग हैं महावीर वात्सल्य अस्पताल में, जहां पर हमारे साथ हैं जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर विनय रंजन सर। आज हम लोग उनसे जानेंगे कि ये जो है क्लब फुट की समस्या बच्चों में जो देखने को मिलती है वो क्या होती है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेडिकल माइक। धन्यवाद। जैसा कि क्लब फुट नाम है, जनरली ये बच्चों में पाया जाता है। क्लब फुट एक विसंगति है अंग की, जो दोनों पैर जो टेढ़ा हो जाता है, हम भाषा में उसको हम लोग क्लब फुट बोलते हैं। क्लब फुट को के बारे में देखा जाए तो जनरली इसको हम लोग पता होने का कारण अभी तक विशेष, जिसको एडियोपैथिक बोलते हैं, कुछ विशेष कारण नहीं है। कभी कभी जेनेटिक और कुछ बीमारियाँ भी लेके ये प्रेजेंट करता है। जो क्लब फुट में होता क्या है बेसिकली, कि जो दोनों पैर है ना अंदर की तरफ मोड़ जाता है, तो बच्चों को इससे क्या होगा, आगे अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए तो चलने में परेशानी होती है। अगर इसके अंदर में जाके देखना चाहते हैं तो कभी कभी ये कुछ बीमारी जैसे कि न्यूरोलॉजिकल बीमारी हो, स्पाइना बाइफिडा वगैरह, उसमें हर कोई न्यूरोमस्कुलर डिजॉर्डर हो जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी, उस कंडीशन में भी लेके ये प्रेजेंट करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्लब फुट होता है एडियोपैथिक है और उसको आसानी से बिना, इसको नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं, आसानी से ठीक किया जा सकता है। अगर इसकी उसके बारे में देखा जाए कितनी है इसकी प्रवृत्ति, तो करीब करीब 1000 बच्चों में एक बच्चों को ऐसी क्लब फुट की बीमारी देखने को मिलती है, जो कि सबसे मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल एनोमली है, इसको कह सकते हैं। खास करके जो लड़के हैं, मेल्स में ये होने का संभावना दुगुना होता है लड़कियों से। और इसका कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो, कुछ बीमारी बच्चे हो, उनमें भी देखा जाता है। सर, इसके सामान्यतः क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं? लक्षण में देखिए, एक क्लब फुट को जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो लेवल 2 स्कैन होता है, उसमें आप देखेंगे तो पैर दोनों मुड़ा हुआ रहता है, तो उसको नाम दिया जाता है क्लब फुट का। तो आप डायग्नोसिस आपको माँ के पेट से ही इसका हो जाता है। अगर उस समय नहीं हो पाता है किसी भी कारण से, तो जो बच्चे जन्म लेते हैं तो जो पेडियाट्रिशियन देखते हैं वो देख के बच्चे को पैर मुड़ा हुआ, तो उसको क्लब फुट का नाम दिया जाता है। सर, इसमें देखा जाता है कि सर कभी कभी डॉक्टर जो है इसमें 5 सप्ताह के लिए उसको प्लास्टर भी शुरुआती दौर में कर देते हैं, और वो जब ठीक नहीं होता है, गंभीर स्थिति में रहता है, तो उसको फिर सर्जरी करके ठीक करने की सलाह, ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्लब फुट होता है ये नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट इसका होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है और इसको सिंपल एक ब्रेसेस के द्वारा, सिंपल प्लास्टर के द्वारा ठीक किया जा सकता है। कभी कभी कुछ कठिन केसों में जो आपका टेंडन है, टेंडन को थोड़ा सा जो कि हार्डनिंग हो जाता है, उसको छोटी सी ऑपरेशन करके लूज करके ये आसान बनाया जाता है। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब ऐसी समस्या बच्चों में दिखाई दे तो उसके उपचार के लिए क्या उपाय? देखो, पहला बात कि घबराना नहीं है, कोई ऐसी गंभीर समस्या नहीं जो कि नहीं ठीक हो सकती है, और बिना सर्जरी बिना कोई दवाई के ठीक की जा सकती है। ठीक करने के लिए 2-3 ऑप्शंस हैं, जैसे कि पहले अर्ली डायग्नोस हो गया तो जन्म के बाद हम लोग कुछ पोजिशनल होते हैं जो माँ के पेट में दबे रहने के कारण, तो उनको सिंपल मसाज से भी ठीक कर सकते हैं। कुछ केसेस होते हैं जिनको आप प्लास्टर लगा के ठीक कर सकते हैं, कुछ केसेस को ब्रेसेस देना होता है, 24 आवर्स में से 20-20 घंटे तक ब्रेसेस लगाने होती है ताकि अपने जगह पे ठीक हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि उससे भी ठीक नहीं हो रहा तो टेंडन का थोड़ी सी सर्जरी करनी होती है, जिसे टेंडन को लूज किया जाता है ताकि पैर अपने पोजिशन में आ जाए। सर, ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है, इसको आसानी से ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल, ये गंभीर समस्या नहीं, मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल एनोमली है, लेकिन गंभीर नहीं है। इसको नॉन सर्जिकल बिना मेडिसिन से भी और बिना सर्जरी के भी ठीक किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका मेडिकल माइक में जुड़ने के लिए और इसके बारे में बताने के लिए। अभी हमारे साथ जुड़े थे जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर विनय रंजन सर। तो ऐसे ही तमाम स्वास्थ्य से जुड़ी वीडियो को देखने के लिए आप देखते रहिए मेडिकल माइक और दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।